अस्सलाम वालेकुम क्लास क्लास सेवेंथ, टुडे योर लिटरेचर पीरियड इज़ गोइंग ऑन। सबसे पहले आपसे आपको मैंने बताना है कि आपकी जो बुक है, दो स्टूडेंट्स हु वर सेइंग कि मैम हमारे पास बुक नहीं है, वी डोंट हैव एनी बुक, तो हम कहाँ से लिखें, कहाँ से हम याद करें, पेपर में प्रॉब्लम होती है या पेपर में प्रॉब्लम होगी, तो उनकी उन बच्चों के लिए मैंने आप लोगों की बुक जो है वो प्रॉपर पूरी बुक लॉस्ट वर्ल्ड जो लिटरेचर है वो मैंने अपलोड कर दी है। आप APS के YouTube चैनल पे जाएंगे, वहाँ पे आप उसके लिंक के थ्रू लॉगिन हो, वहाँ पे आप प्रेजेंटेशन भी साथ साथ लेते जाएंगे डेली बेसिस पे, जो आपकी स्लॉट वाइज जो आपकी क्लासेस होती हैं, जो जो डेज आपके टाइम टेबल में हैं लिटरेचर के, आप उसमें एक्सरसाइज भी आपको वहाँ मिलेगी, आपको चैप्टर की कंप्लीट चैप्टर के पॉइंट्स इंपॉर्टेंट जो हैं वो भी आपको वहाँ मिलेंगे, प्लस आपकी जो बुक है आप इजीली रीड कर सकते हो, आप यू कैन सर्च इवन वर्ड्स मीनिंग, जो जो पॉइंट्स जो जो भी आपका काम होगा रिलेटेड आपके बुक से इंशाल्लाह मैं अपलोड करती जाऊंगी डेली बेसिस पे स्लॉट वाइज। अच्छा, चैप्टर नंबर वन की अगर हम बात करें तो चैप्टर नंबर वन में आपके पास सबसे पहले यहाँ पे इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन के बाद यहाँ से आपका चैप्टर नंबर वन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अब पूरा चैप्टर तो मैं रीड नहीं कर रही, उसमें मैं कुछ पॉइंट्स आपको मैं बता रही हूँ, आप नोट डाउन कर लें या आप उस चैप्टर को पढ़ के, चैप्टर नंबर वन को पढ़ के, आप अंडरस्टैंडिंग जब आपकी डेवलप हो जाएगी, जब आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा बेटे, तो आप पॉइंट्स में खुद भी लिख सकते हैं। सबसे पहले एडवर्ड मिलोन जो मेन करेक्टर है स्टोरी का, एडवर्ड मिलोन अ यंग मैन, ही वॉज यंग, बिल्कुल यंग था वो, और इन हिज ट्वेंटीज व्हेन ही फेल इन लव विद अ गर्ल नेम ग्लैडिस। आपको पता है जब यंग एज होती है तो आप मतलब आपकी यंग एज में आप कुछ भी लाइक इस तरह से काम करते हो, आप चाहते हो कि मैं कोई ऐसा काम करूं जो कोई लाइक बड़ा फेमस काम हो, क्योंकि आपकी एज इस तरह से होती है, ट्वेंटीज़ की एज होती है, थर्टीज़ की एज होती है, तो ये आपकी टीन एज कंसिडर होती है, ट्वेंटीज़ वाली एज होती है। इसी तरह एडवर्ड मिलोन की जो एज थी वो ट्वेंटीज़ में थी, और वो जो है कि उसको एक लड़की से प्यार हो जाता है जिसका नाम है ग्लैडिस, बट ग्लैडिस जो है वो एडवर्ड से जो है वो प्यार नहीं करती, वो कहती है कि मैं जो है ना तुम्हें एक एज अ फ्रेंड समझती हूँ। अब फर्स्ट पॉइंट इसमें ये आ सकता है कि एडवर्ड मिलोन अ यंग मैन वाज इन हिज ट्वेंटीज व्हेन ही फेल इन लव विद अ ग्रेट कॉल्ड ग्लैडिस। ये तो आपका फर्स्ट पॉइंट यहाँ तक पूरा कंप्लीट बन गया, कि किसी को समझाने के लिए अगर आप उसको पॉइंट्स में स्टोरी के पूरा चैप्टर आप उसको समराइज करने के लिए पॉइंट्स बताते हो, तो इवन कि अगले को समझ आते कि ठीक है जी पॉइंट्स में आप उसको ईजिली अंडरस्टैंड हो सकता है। सेकेंड अबाउट ग्लैडिस हंगरटन जस्ट praise him as a friend, nothing more than that. Sometime आप किसी को इतना like करते हो, अगला बंदा understand करना शुरू हो जाता है कि यार पता नहीं मेरी इसकी नज़र में, मेरी इसकी इसके यहाँ मेरी कितनी value है, वो अपने आप को कुछ बहुत ही high rank पे ले जाता है। लेकिन जब आपको इस उसकी expectations पे आप पूरा नहीं उतरते, आपकी expectations उसकी नज़र में, आपकी expectations में आप पूरा नहीं उतरते, कुछ और होती है, importance आपकी कुछ और होती है, value आपकी उतनी नहीं होती जितना आप कर रहे होते हो, तो फिर आपको आप हर्ट होते हो उस चीज़ से। इसी तरह ग्लैडिस ने भी जब उसने कहा कि ठीक है मैं प्रपोज करूँगा, तो शी विल एक्सेप्ट माई प्रपोजल, वो तो एक्सेप्ट कर लेगी प्रपोजल मेरा, एंड ऑब्वियसली शी लाइक्स मी, वो तो मुझे पसंद करती है। अब ये खुद से अज्यूम कर रहा था, ठीक है, अभी तक इसने उसको प्रपोज नहीं किया, ही डिडंट प्रपोज हर, लेकिन वो अज्यूम कर रहे, व्हेन ही विल प्रपोज, जब उसे प्रपोज करेगा तो देन वो उस पर डिपेंड करता है। सेकेंड पॉइंट आपका इजी बन सकता है कि बट ग्लैडिस हंगरटन जस्ट प्रेज हिम एज अ फ्रेंड एंड नथिंग मोर देन दैट, इससे ज़्यादा उसको कुछ नहीं समझती एक फ्रेंड से ज़्यादा। देन आपके पास थर्ड पॉइंट है, शी सेट अप हर ओन आइडिया एज वन हु इज हीरोइक ब्रेव एंड एडवेंचरस, शी वॉन्टेड टू स्पेंड हर रेस्ट ऑफ लाइफ विद अ मैन लाइक दैट। थर्ड में वो इस चैप्टर में ये कहना चाह रही है कि मुझे जो है वो इस तरह का बंदा पसंद है जिसके अंदर ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए। जैसे आप लोग भी है ना, आपकी जो एज है आप लोग भी यंग एज कंसिडर होती है आप लोगों की, तो आप भी जब फ्रेंड्स बनाते हो तो अपनी अपनी नेचर वाइज जो आपके साथ मैच करता है आप उसी के साथ बैठते हो, क्लास में भी आप उसी के साथ फ्रेंडशिप करते हो, जो आपके साथ फाइट करता है, जिसकी नेचर आपके साथ मैच नहीं करती, जो झूठ बोलता है, जो फाइट करता है, जो कंप्लेन करता है टीचर्स को आपकी कि मैम इसने मुझे ये कर दिया ये कर दिया, आप कहते हो ठीक है जी लीव दैट छोड़ दो, इसके साथ मैंने बैठना ही नहीं है। इस तरह आप उन्हीं गर्ल्स की बात करते हैं, गर्ल्स भी नहीं गर्ल्स के साथ बैठती हैं जिनके साथ उनकी नेचर मैच करती है, जिन्हें वो भी लाइक करती हैं और फिर दूसरी जो गर्ल्स हैं वो इनको भी लाइक करती हैं, इसी तरह बॉयज़ की बात है। तो इसी तरह जो है उसने अपने माइंड में कुछ सेटअप कुछ गोल सेटअप किए हुए थे कि मुझे ऐसा लड़का चाहिए जो ब्रेव हो। अब उसको ये पसंद तो था, किसको, ग्लैडिस को, ग्लैडी को ये एडवर्ड पसंद तो था,
लेकिन उसको वो उसकी क्वालिटीज उस पर नजर नहीं आती थी कि जो वो चाहती थी। फोर्थ पॉइंट आपके पास है, हाँ, और थर्ड में वो है कि वो अपनी रेस्ट ऑफ लाइफ एक ऐसे इंसान के साथ गुजारना चाहती थी जिसके साथ कंफर्टेबल फील करे। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है, एडवर्ड टुक इट सीरियसली, ही वर्कड एट डेली गैजेटेड एज अ जर्नलिस्ट। एडवर्ड ने सारी चीज़ों को बड़ा सीरियस लिया, वो चाहता था कि मैं जो है वो ऐसा बन के दिखाऊं ग्लैडी को कि वो मुझे फ्यूचर में एक्सेप्ट करे, ठीक है, एज अ हस्बैंड एक्सेप्ट करे, एज अ फ्रेंड एक्सेप्ट ना करे। उसने फिर एडवर्ड ने क्या किया, इन सारी चीज़ों को सीरियसली लेना शुरू कर दिया। ठीक है, फोर्थ में एडवर्ड आस्क मिस्टर मैकॉर्डल टू सेंड हिम ऑन अ डेंजरस एडवेंचर। अब वो जो है इसके लिए, ग्लैडी के लिए, एक ऐसे चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए भी तैयार था। ही इज़ रेडी टू एक्सेप्ट एनी चैलेंज इन फ्यूचर, वो किसी तरह का भी चैलेंज फ्यूचर में एक्सेप्ट करने को तैयार था। डजेंट मैटर कि वो चैलेंज उसके लिए फ्यूचर में किस तरह के कॉन्सिक्वेंसेज लेकर आते हैं, किस तरह के कॉन्सिक्वेंसेज को उसे बियर करना पड़ता है, लेकिन वो इस चीज़ से बिल्कुल भी उसको डर नहीं था। ऑब्वियसली ही वॉन्टेड टू बी अ ब्रेव मैन, बनना चाह रहा था कि मैं इस तरह का बहादुर बन जाऊँगा। ठीक है, फिर उस जब आप बहादुर बनना चाहते हो तो फिर आप कोई भी चैलेंज इजीली एक्सेप्ट कर सकते हो। आपके माइंड में जब एक चीज़ बन जाती है, एक सिनेरियो, एक पिक्चर बन जाती है, तो फिर आप उस चीज़ को बॉदर नहीं करते कि वेदर इसके कॉन्सिक्वेंसेज मेरे लिए नेगेटिव हो सकते हैं, वेदर इसके कॉन्सिक्वेंसेज मेरे लिए पॉजिटिव हो सकते हैं फ्यूचर में। फिर एडवर्ड ने क्या किया कि उसको कहा, मिस्टर मैकॉर्डल सजेस्टेड हिम टू इंटरव्यू प्रोफेसर चैलेंजर द फेमस जोलॉजिस्ट। आपको पता है प्रोफेसर चैलेंजर का जो इसके अंदर करेक्टर है वो सबसे मेन करेक्टर है, मतलब उसी के थ्रू अगर इंटरव्यू उसका होता है एडवर्ड का तो फिर ये फेमस हो भी सकता था। अगर उसका इंटरव्यू एक पॉजिटिव वे में जाता तो ये फेमस हो सकता था। अब नो वन नोज, कोई नहीं जानता कि वेदर उसका जो इंटरव्यू है वो एक स्मूथ वे में जाएगा, या क्योंकि क्योंकि कई दफ़ा लोगों ने प्रोफेसर चैलेंजर से इंटरव्यू करने की कोशिश की, लेकिन प्रोफेसर चैलेंजर ने अपने रूड बिहेवियर से उनको जो है वो शटअप कॉल दी। लेकिन रूड बिहेवियर क्यों था प्रोफेसर चैलेंजर का, यू नो बेटर, आप लोग जानते हैं। वट वॉज द रीज़न, रीज़न वॉज दैट कि लोग उसे लॉयर बोलते थे कि तुम एक झूठे हो, तुम लॉयर लॉयर हो, तुम बिल्कुल, तुम्हारे पास कोई एविडेंस नहीं है, प्रूफ नहीं है, यू वॉज जस्ट सेइंग कि मैंने साउथ अमेरिका में ये किया, मैंने ये देखा, मैंने ये एडवेंचर किया, इतने बड़े बड़े डायनासोर्स की बात कर रहे हो, तो भाई एविडेंस प्रूफ लेकर आओ। इस तरह मैं और आप भी बातें कर सकते हैं कि मैंने ये काम किए पास्ट में, मैंने ये काम किए, जैसे अक्सर लोग बड़ी बड़ी कहानियाँ सुनाते हैं तो हम लोग भी अक्सर स्माइल पास कर देते हैं कि यार ये तो बड़ी बड़ी कहानियाँ सुना रहे, और मुझे नहीं लगता कि इसने कुछ ऐसा बड़ा काम किया होगा। जैसे आपके फ्रेंड्स आपसे कुछ बात करते हैं तो आप स्माइल पास करते हो, यार छोड़ो तुम तो मुझे वैसे ही बता रहे हो, मुझे पता है तुमने ऐसा कुछ नहीं किया। ठीक है, इसी तरह से मिस्टर मैकॉर्डल टोल्ड एडवर्ड ऑल अबाउट प्रोफेसर चैलेंजर, हिज फेमस एक्सपीडिशन टू साउथ अमेरिका, वेयर ही वेंट एंड हैड सीन डायनासोर्स बट नो वन बिलीव्ड हिम। ये वो बता रहे हैं कि मैं इस तरह से साउथ अमेरिका गया था और मैंने वहाँ पर डायनासोर्स देखे थे, और मैंने वहाँ पर उनको इवन आप इन्वेंट करना कह लो या आप उनको कह लो कि उसने वहाँ पे उनको पूरा उसका स्टडी किया था। इन्वेंट करना तो सॉरी आप नहीं बोल सकते, लाइक स्टडी किया था, रिसर्च की थी। रिसर्चर्स कौन होते हैं, जो किसी भी ऐसी चीज़ को रिसर्च करते हैं डीपली जाके, जो बाद में आपके फ्यूचर के लिए आपकी जो एक आपका नाम बनाती है उस रिसर्च में। इसी तरह प्रोफेसर चैलेंजर का जो नाम था वो इसी इसी टर्म के साथ, इसी रिसर्च के साथ कंसर्न था उसका। ठीक है, वो इन्हीं चीज़ों के बारे में जो था ना वो बड़ा कॉन्शियस था। देन आपके पास है एडवर्ड लास्ट में जो है, अब आपको पता है कोई फेमस पर्सनालिटी आपकी होती है तो आप उसे कैसे मीट करते हो। अब ये तो नहीं उसके घर गए, नोक डोर पे नोक किया और जी सर आई एम हियर, मैं यहाँ पे हूँ सर, आप मेरा मैं आपसे इंटरव्यू कंडक्ट करना चाह रहा हूँ, काइंडली आप मुझे टाइम दे दें, इज़ इट पॉसिबल? नो, किसी भी बड़े आदमी के पास जाने से पहले, या कोई भी फेमस पर्सनैलिटी है, सेलिब्रिटी कोई भी है, जैसे आप सपोज करने इमरान खान के पास जा रहे हो तो आप डायरेक्ट तो नहीं जा सकते ना, आप एक थ्रू प्रॉपर चैनल जाते हो। इसी तरह अगर आप स्कूल के डायरेक्टर साहब की बात करें, प्रिंसिपल की बात करें, किसी भी एक बड़े की बात करें, तो आप एक प्रॉपर चैनल के थ्रू जाते हैं। पहले आप टीचर से बात करेंगे, फिर आप सेक्शन हेड के पास जाएंगे, सेक्शन हेड के बाद आप फिर मैम सेक्शन हेड परमिशन देंगे, फिर आप प्रिंसिपल के पास जाएंगे, प्रिंसिपल के बाद आप फर्दर अपनी जो भी आपने प्रॉब्लम्स है, आपकी कोई बड़ी प्रॉब्लम है जो भी है, फिर आप डायरेक्टर साहब से बात करेंगे, उनसे मिलेंगे। तो इसी तरह जब आप किसी के पास जाते हो तो आप प्रॉपर एक लेटर लिखते हो, लेटर के बाद वो ईमेल कर, आजकल तो ईमेल खैर ज़्यादा उसमें ईमेल का ज़्यादा कंसर्न है, वो ज़्यादा एक्सेप्टेबल वे है कम्युनिकेशन का। अपने मोड ऑफ कम्युनिकेशन पढ़े हैं, लेटर हो गया, मैसेज हो गया, ये सारे। तो इसी तरह एडवर्ड ने भी उस जमाने की बात है, पास्ट की स्टोरी है ना, तो उन्होंने मेंशन किया कि लेटर लिखा उसको प्रोफेसर चैलेंजर को और रिक्वेस्ट की उससे कि मैं जो है आपसे मिलना चाहता हूँ,
और कमिंग डे, कमिंग वीक में एक डे है जो वेनस डे, उस उसकी बात कर रहे हैं। आई डोंट डिडंट न्यू दिस वॉज अबाउट टू चेंज इज लाइफ फॉर एवर। अब वही बात मैं आपको पहले, आपको मैंने पॉइंट आपके साथ मैंने डिस्कस की है कि एडवर्ड नहीं जानता कि वेदर ये मीटिंग उसके लिए किस तरह की रहेगी, वेदर वो ग्लैडी की नज़रों में अपने आप को मतलब अपनी पर्सनालिटी को इस तरह से बना सकेगा जिस तरह वो चाहती है, या जो उसकी पर्सनालिटी बनेगी उससे भी जाएगा। ठीक है, तो ये चैप्टर नंबर वन आपका यहीं तक एंड हो रहा था। देन आपके पास यहाँ पे पिक्चर है, वो भी देख सकते हो, चैप्टर फर्स्ट से रिलेटेड है। ये चैप्टर नंबर वन है आपका। देन चैप्टर टू आपका जो होगा, इंशाल्लाह चैप्टर टू को भी हम इसी तरह से रीड करेंगे। वन बाई वन आपको मैं लाइन टू लाइन आपको मैं समझाऊंगी, जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं वो आपको मैं करवाऊंगी, एंड एक्सरसाइज आपके पास आ जाती है वो होगी साथ साथ। देन आपके पास दो करेक्टर स्केच हैं चैप्टर नंबर वन में से, दीज टू करेक्टर स्केच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक तो एडवर्ड मिलोन का हो गया, एक डैडी का हो गया। आपने पेपर में, आपको बेटे पता है कि पेपर में जो है करेक्टर स्केच मैटर बहुत मैटर करते हैं, और क्वेश्चन आंसर भी इन्हीं इन्हीं चीज़ों से बन के आते हैं। तो आपने प्रॉपर ये एडवर्ड मिलोन और जो ग्लैडी है इसका करेक्टर स्केच पढ़ के आप खुद, इवन यू कैन राइट डाउन इन योर ओन वर्ड एज वेल, आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो। ये ज़रूरी नहीं है कि आप वर्ड टू वर्ड लिखो, अब एज इट इज़ लिखो जो बुक में, आप थोड़ा सा आइडिया लो। वट इज़ लिटरेचर? लिटरेचर इज़ ऑल अबाउट योर आइडियाज़, आपके आइडियाज़ को जो है वो इकट्ठा करके मर्ज करके यू कैन मेक एनी आंसर, यू कैन मेक एनी डिस्क्रिप्शन, यू कैन मेक एनी लाइक स्टोरी, इवन योर ओन स्टोरी। ठीक है, ओन स्टोरी कैसे आप अभी बना सकते हो कि लिटरेचर में जैसे कोई भी कहानी दे दी जाती है शॉर्ट फॉर्म में, तो उसको जब एलेबोरेट करते हो तो कहानी कहाँ की कहाँ कहाँ की कहाँ फर्दर चली जाती है, और आप उसमें कैसे ट्विस्ट लेकर आते हो, आप उसके अंदर कैसे उसके टर्निंग जो है वो पॉइंट्स कह लो, इंटरवल पॉइंट कह लो, आप वो लेकर आते हो उसके अंदर। ठीक है, तो लिटरेचर बेसिकली इसका सिलेबस इतना ज़्यादा नहीं होता, एक ये लैंग्वेज नहीं है कि इसके कॉन्सेप्ट्स डीप जाके होते हैं, लिटरेचर बेसिकली थोड़ा सा सिलेबस होता है लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग वे में इसका जो है वो काम होता है। ओके बेटे, थैंक यू, दैट्स ओवर।